आरपीएससी ने एग्जाम प्रोसेस में किया बड़ा बदलाव, डमी अभ्यर्थियों पर कसेगा शिकंजा, बायोमेट्रिक सिस्टम किया जा रहा है शुरू। झालावाड़ जिला कलेक्टर ने ग्राम पंचायत रूपारेल में की जन सुनवाई, ग्रामीणों की समस्याएं सुन मौके पर ही निस्तारण के दिए निर्देश। श्रीगंगानगर में जिला उद्यानिकी विकास समिति की बैठक हुई आयोजित, जिला कलेक्टर ने की उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा। बालोतरा में उपखंड अधिकारी अशोक कुमार ने राजकीय नाहटा चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण, समुचित चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में उत्कृष्ट कार्य करने पर बालोतरा नगर परिषद को राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित, समारोह में प्रदेश में 15 निकायों का प्रदान किए गए पुरस्कार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बांसवाड़ा जिले की शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में देवी मां के किए दर्शन, प्रदेश के लिए सुख समृद्धि की कामना। शाहपुरा जिला मुख्यालय पर सिंधी समाज द्वारा असूचन के तहत निकाली गई वाहन रैली, रैली के माध्यम से एकता का दिया गया संदेश। वन विभाग द्वारा 70वें वाइल्ड लाइफ वीक के तहत जयपुर के जालाना वन क्षेत्र में एक दिवसीय पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित। नवरात्र के दौरान जयपुर के बनी पार्क में माता महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति का किया गया अनावरण, मूर्ति को बनाने में लगा है 7 साल का समय। धौलपुर में बहुप्रतीक्षित नई इमरजेंसी सेवा का हुआ उद्घाटन, अब लोगों को इलाज के लिए शहर में मिलेगी सुविधा। भीलवाड़ा के शाहपुरा में असू चेटीचंड पर निकली भव्य वाहन रैली, बड़ी संख्या में आमजन ने लिया हिस्सा, भगवान झूलेलाल की भव्य झांकी रही आकर्षण का केंद्र। नीम का थाना के गणेश्वर गांव के निवासी अशोक सिंह तवर ने अंतर्राष्ट्रीय मैराथन दौड़ में किया उत्कृष्ट प्रदर्शन, ग्रीस में हुई प्रतियोगिता में बनाया रिकॉर्ड। राजसमंद के राजनगर थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना के बाद गरमाया माहौल, आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर में चंद्रशेखर शर्मा को उपनिदेशक प्रशासन पद पर किया गया पदोन्नत, संस्था के कुलपति ने पदोन्नति पत्र किया प्रदान।